देखो छत से पानी भी टपकना शुरू हो गया। मुसीबत आती है तो एक साथ आती है। अरे कोई बात नहीं है, मैं अगली बार पैसे जमा करके ठीक करवा लूँगा, बस इस बरसात किसी तरीके से चला लो। तब से तो यही कर रही हूँ, कौन सी बड़ी बात है, हर बरसात में तो यही होता है। अच्छा मैं आता हूँ, जरा देखूँ बाजार में कुछ हो तो। नहीं कहीं नहीं जाने की जरूरत है, बाहर मैंने लगाया हुआ है कद्दू, वही कद्दू हम लोग खा लेंगे। चावल है, चावल और लौकी की सब्जी बना लूंगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अरे रे रे, कितना देर लगाती है खाना बनाने में, हैं? इतना भी देर लगता है क्या? अम्मा कर ही रही हूँ, बाहर बारिश हो रही है ना, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। अरे बाहर बारिश हो रही है तो तुझे घर में दिक्कत क्यों हो रही है? अम्मा आज पानी नहीं ला पाई हूँ तालाब से, बारिश की वजह से घर से निकल ही नहीं पाई। अरे रे रे, तो फिर हम क्या प्यासे रहेंगे, जा जाकर मटके से पानी ले आ, गल नहीं जाएगी, मिट्टी की नहीं बनी है तू। ठीक है अम्मा, थोड़ी देर में जाती हूँ ये सब्जी उतार कर। हाँ हाँ एकदम से पानी लेने जाना, और पानी लेकर आना, एक नहीं बल्कि दो मटका पानी आना चाहिए, याद रखो। न जाने कहाँ से मेरी मत मारी गई थी, कहाँ से उठा कर ले आई हूँ इसे। चलो अब तैयार हो गया, अब मैं मटका ले लेती हूँ और मटके में ये टिफिन छिपा देती हूँ। अच्छा अम्मा मैं आ रही हूँ तालाब से पानी लेकर। हाँ हाँ जल्दी आना, खाना भी खाना है, बिना पानी के कौन खाना खाने बैठेगा। हाँ अम्मा बस जा ही रही हूँ। बिजली, ओ बिजली घर में हो क्या? अरे मिनी तू यहाँ कैसे आई है, और वो भी इस बारिश में? अरे बारिश हो तूफान हो या कुछ भी हो, तुझे तो पता ही है पानी लाने तो अम्मा मुझे ही भेजेगी, इसमें कौन सी नई बात है, बस पानी लेने के लिए भेजा है उसी के लिए निकली हूँ। अच्छा तो फिर यहाँ कैसे आ गई, तालाब तो उधर है। अरे आई हूँ, घर में अच्छी सब्जी बन रही थी, ये ले बहुत अच्छी सब्जी है, इसे खाना, मैं जरा जा रही हूँ वरना देर हो जाएगी तो बुढ़िया चिल्लन चिल्ली करेगी। अच्छा अच्छा ठीक है जा फिर तू। अरे कौन था बाहर? कोई नहीं, मेरी सहेली मीनी थी। अरे मीनी से तुमने दोस्ती करी है, तुम्हें पता है ना उसकी सास कौन है, मीनू मौसी, किसी दिन पता चल गया तो दरवाजे पे चिल्लम चिल्ली करेगी। बड़ी देर हो गई है, जल्दी चलो वरना माँ जी तो कच्चा खा जाएंगी। अरे रे रे, कहाँ मर गई थी, हैं? इतने देर से इंतजार कर रही हूँ और अब जाकर आई है, भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? बस अम्मा सारा कुछ तो बनाकर ही गई थी, बस खाना खिलाना है और थोड़े खाना को गर्म कर लेना है, पानी लाने के लिए तो आपने ही भेजा था ना। अरे रे रे, भेज कर लगता है जैसे मैंने बड़ी गलती कर दी है, चल अब खाना दे, मंटू भी घर आ चुका है। हाँ बस खाना दे ही रही हूँ।
बस बस बस, अरे कढ़ाई में कुछ सब्जी कम मालूम पड़ती है। नहीं अम्मा, कम क्यों मालूम होगी, जितनी आपने दी थी मैंने उतना ही बनाया है और एकदम से बढ़िया बनाया है। ना 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 ना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। कल से मैं तेरे ऊपर ध्यान दूंगी, तू कुछ गड़बड़ कर रही है। मुझे पाई पाई का हिसाब रहता है, इतनी आसानी से मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। अरे अम्मा खा लो ना, कितना चिक 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 करती रहती हो, खाने में क्या जाता है, खा लो। अब थोड़ा बहुत 19-20 हो गया होगा, हो सकता है तुम्हें ही ध्यान नहीं आया होगा। अरे ना, मुझे सब ध्यान आता है, हाँ मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता है। चलो कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। अम्मा मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर। अरे इस बारिश में कहाँ बाहर जा रहा है। अम्मा बाहर जाना जरूरी है, थोड़ा देखना है, मंगरू की दुकान पर कुछ हुआ है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अरे रे, क्यों दूसरे के फटे में टांग अड़ाता है, मत जा। नहीं अम्मा जाना जरूरी है, जाने दो मुझे। सब मनमानी करते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। बहू अलग मनमानी करती है और बेटा अलग मनमानी करता है, जिसे देखो सो अपनी मर्जी चलाने पर लगा हुआ है। कोई नहीं बच्चों, तुम लोगों की सारी हेकड़ी मैं दूर कर दूंगी। मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, याद रखो। कलमोही मुझे देखते ही बर्तन धोने चली गई, जानती है ना मैं नाराज होऊंगी। सुन रही, सारे काम कर लेना, मैं जा रही हूँ, थोड़ा आराम करूंगी उसके बाद काम करूंगी। न जाने कौन से कर्म किए थे जो मुझे ये सास मिली है, एकदम से परेशान करती रहती है। मंटू जी भी तो कोई बढ़िया काम नहीं ढूंढते, मेरा तो कभी दिल नहीं करता है यहाँ रहने का। क्या करूँ, कुछ कर भी नहीं सकती, इसी जगह पिसना पड़ेगा। ऐसा ही लगता है ऊपर वाले ने मुझे यहाँ पिसने के लिए भेज दिया है। चलो रात की तैयारी करूं, और कुछ कर भी नहीं सकती। आज अपनी दोस्त को खीर खिलाऊंगी, आज तो मैं खीर जरूर बनवाऊंगी। लो जी खाना खा लो। अरे खाना खा रहा हूँ ना, तुम्हारी दोस्त ने जो सब्जी दी थी वो सब्जी तो बड़ी मजेदार थी। हाँ लेकिन अब वो खत्म हो गई है, जो घर में है उसे खा लो। ठीक है मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ उसे ही खाने के लिए, जो है वही दे दो। लेकिन हाँ तैयार रहना, जिस दिन मीनू मौसी को पता चला उस दिन तुम्हारी भी खाल खींच लेगी। तो फिर तुम भी खाल खिंचवा लेना। मैं क्यों खिंचवाऊंगा, मैं तो बोलूंगा मैं नहीं जानता हूँ, ये दोनों बहुओं के बीच की बात है, तुम समझ लो मौसी। अच्छा तो तुम मुझे मुसीबत में छोड़कर निकल लोगे, यही कहना चाहते हो ना? अरे अब जो समझो तुम, बस मैं वही कह रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं है, इतना तो मैं सही सकती हूँ, इतना सह लूंगी तुम्हारी खातिर। अरे वाह इसे कहते हैं बीबी। अरे दीदी रात की तैयारी कर ली? हाँ अम्मा कर ली मैंने रात की तैयारी। अम्मा एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोल।
अम्मा मैं तालाब से आ रही थी ना, तो मुझे किसी ने कहा अगर बूढ़े लोग खीर खाएं तो ज्यादा जवान लगेंगे और ज्यादा जिएंगे भी। अरे ऐसा है क्या, तो आज खीर बना, अब मैं लेकर आती हूँ खजूर के रस, उसका खीर बना, मजा आ जाएगा उसे खाने में। ठीक है अम्मा, एकदम से बना दूंगी वही वाले खीर। आती हूँ मैं जरा टीकू सेठ के बगान से, वहाँ से लेकर आती हूँ खजूर के रस। ठीक है अम्मा, मैं तैयारी करती हूँ। चलो इसे तो पटा लिया, अब देखो ये खजूर का रस लाती है और उसके बाद मैं बनाऊंगी खजूर वाले खीर। मेरी बिचारी सहेली बिजली ने कहा था न जाने कितने दिनों से खीर नहीं खाया है, आज वो पक्का खीर खाएगी। रे, ओ कलमुहा। अरे मौसी मुझौसी, बोलो क्या बात है, आज यहाँ कैसे आना हुआ? माली बिना मतलब के तो मौसी कहीं नहीं जाने वाली है, जरूर कोई बात है। अरे रे, रे बात है तो क्या हो गया? हाँ बात ही है। हाँ ये पूरा गांव मेरा है। हाँ तू मेरा नहीं है क्या टीकू? अरे मौसी तुम लगा रही हो मक्खन, जरूर कोई बात है, चलो बताओ बताओ क्या बात है। अरे वो कुछ नहीं, सुनना एक हांडी खजूर का रस दे दे। अरे मौसी खजूर के रस के अच्छे खासे दाम है, इसके गुड़ के और भी ज्यादा दाम है, अब मैं नहीं बेचता। अरे देना, जो होगा पैसा मैं दे दूंगी। देखो मौसी जिद मत करो। अरे देना रे। तुम जिद करती हो ना तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, अरे दे दो। माली सोच लीजिए। अरे सोच लिया, दे दो इसे। चलो हांडी तो मिल गई, अब घर पहुंचती हूँ। ये ले रे कलमुही, बना इससे बढ़िया से खीर। तूने तो मेरे अंदर भी खीर खाने की लालसा जगा दी है। हाँ अम्मा एकदम बनाऊंगी झक्कास वाली, पियोगी और खाओगी तो कहोगी ऐसा खीर तो मैंने कभी नहीं खाया है। हाँ हाँ बहुत सुना, जा जाकर काम कर। रे वाह वाह वाह, लगता है बड़ी अच्छी बना रही है ये। अरे मीनू, चल रही मीनू, वहाँ पिंकी के बहू की मुंह दिखाई हो रही है, बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, भोज है भोज, चल तू। अरे रे इधर खीर उधर भोज, किधर जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। सुन रे मीनी, अब मैं जा रही हूँ भोज खाने, सुन मेरे हिस्से की खीर अच्छे से रख देना, दोपहर में मैं नहीं खाऊंगी लेकिन रात में खाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है अम्मा, रख दूंगी। अच्छा चल रही चल, देखो तो सही कहीं भोज खत्म ना हो जाए। अरे वाह ये तो सोने पे सुहागा हो गया, अब तो ये घर में नहीं है, अब मजा आ जाएगा। मैं लेकर जाती हूँ खीर और ये पहुँचा देती हूँ, थोड़ा पता भी नहीं चलेगा। ओ बिजली बिजली ये ले खीर। अरे आज तूने खीर बनाया है, हारी तेरे लिए लेती आई हूँ, आज तो तूने मेरी इज्जत बचा ली, ऐसा क्यों कह रही है? अरे
आज मेरी सास आने वाली है शहर से, और मेरे घर में कुछ भी नहीं था ये कद्दू छोड़कर। मैंने तो कद्दू की सब्जी बनाने की सोची थी। अब ये खीर भी साथ में रहेगी तो मेरी सास को बुरा नहीं लगेगा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। कभी कब की मेरी खड़ूस बुढ़िया घर ना आ जाए। अच्छा अच्छा जा। अरे तुम्हारी अम्मा कब आएगी? आ रही है। परेशान क्यों हो रही हो? कहाँ हो? कोई है भी घर में? अम्मा मैं हूँ, आइए। कालू जी भी हैं। हाँ हाँ तू ही तो आएगी। मेरे बेटे को मेरे से दूर कर दिया। हाँ वहाँ मैं कहती रही शहर में रह। यहाँ गांव में पड़ी हुई है, देख रही हूँ मिट्टी के घर में मेरे बेटे को परेशान करके रखा है। समझ में आता है, कभी खाते होगे कभी नहीं खाते होगे। अरे तू खा या ना खा, मेरे बेटे को तो कम से कम अच्छा खाना खाने देती। कितनी बार कहा है मुझे साथ रहना है, चला चल मेरे साथ चल, लेकिन तुम लोग तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अम्मा बाहर खड़ी खड़ी चिल्लाती रहोगी या आओगी भी? आओ तो साथ। हाँ हाँ आ रही हूँ तेरे इस मिट्टी के घर में। क्या है तेरे इस मिट्टी के घर में? अच्छा अम्मा बैठो खाओ, बिजली खाना अच्छा बनाती है। हाँ पता नहीं क्या बनाती है। खाने का स्वाद तो बड़ा अच्छा है। अम्मा इसमें से खीर मैंने नहीं बनाई है। खीर तो बनाई है मेरी सहेली ने, लेकिन उसकी किस्मत बड़ी फूटी है। अम्मा बेचारी उसकी सास उसे मारती पीटती रहती है, डर से वो एकदम डरी हुई रहती है। आज किसी तरीके से उसने खीर पहुंचा दिया है। अरे मारपीट करना तो बड़ी गलत बात है, ऐसा क्यों? अच्छा चल मुझे जरा दिखाना तो कौन है वो औरत। मुझे पता था मेरे पीठ पीछे तू ऐसे ही गुल खिलाती है, तभी तो मैंने जानबूझकर ये सारा नाटक रचा। तू खीर लेकर गई थी उस बिजली के घर, अभी बताती हूँ। अब तुझे समझ में आएगा कि मैं तुझे क्यों मारती पीटती हूँ। अम्मा अम्मा छोड़ दो अम्मा, अब मैं नहीं करूँगी ऐसा। अम्मा अम्मा रुको। अरे कौन है तू? हाँ ऐसे बहू को मारते हैं क्या? अरे अरे रे आप यहाँ कैसे आ गई? बस आ गई अपने बेटे को देखने। कालू और बिजली मेरे बेटे हैं और मेरी बहू है, तुझे क्या लगा? हाँ नहीं नहीं मुझे तो पता ही नहीं था। अरे रे रे अगर मुझे पता होता तो मैं तो अब चुप करो। अरे ओ लड़की कहाँ है तेरा पति? दोनों साथ चलो मेरे घर में, मेरा बहुत बड़ा व्यवसाय है, उसी को चलाना और साथ रहना। मुझे छोड़कर ये नहीं जाएंगे। नहीं अम्मा मैं जाऊँगा, तुम्हारा अत्याचार रोज रोज बढ़ता चला जा रहा है, अब ये बर्दाश्त नहीं होता है। मंटू और मीनी उसके साथ चले जाते हैं। बिजली और कालू भी सब एक बैलगाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अरे जागो भी, कब तक सोए रहोगे? दिन हो चुका है। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब बाहर बारिश हो रही है, इतने में परेशान हो रही हो? अच्छा सुनो, अब जगा ही दिया है तो बहुत जोरों की भूख लगी है, अब मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो, अब बहुत भूख लगी है। अरे ये क्या, जगते जगते खाना चाहिए तुम्हें? जाओ मुंह हाथ धो कर आओ। अब बस मैं तुरंत जाता हूँ, अब मुंह हाथ धो कर आता हूँ, अब भूख लगी है, तुम जल्दी से दो। अरे
मैंने अभी कुछ नहीं बनाया है खास, क्या दूंगी? अब जो भी है तुम देखो घर में खाने को क्या है। अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, और जल्दी से मुझे खाना दे दो, अभी अभी दे दो। अच्छा ठीक है, दे रही हूँ। अरे डब्बे में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ देखती हूँ मूढ़ी का डब्बा है, हाँ इसमें होंगे कुछ। ये लो, अभी खाना नहीं बना है, खाना बनाऊंगी थोड़ी देर में, तब तक तुम ये मूढ़ी और पानी खा लो, उसके बाद खाना बनाऊंगी तो भर पेट खा लेना, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ सब ठीक है, बढ़िया है, अभी खा लेता हूँ, दो दो, बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा क्या खाना बना दूँ? अरे मेरा तो मन करता है, बारिश हो रही है, जाऊँ और जाकर मांस ले आता हूँ और फिर बनाएंगे, साथ बैठकर खाएंगे। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसा करो, इसी गांव में हमारे जमाई और बेटी रहते हैं, उन्हें भी न्योता दे दो, वो भी आ जाएंगे और खाएंगे तो मन अच्छा लगेगा, अच्छी चीज बन रही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हाँ हाँ जाऊँगा मैं, लेकिन पहले तुम खाना बनाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इससे मेरी भूख नहीं मिटने वाली। अरे लोग बूढ़े होते हैं तो भूख लगनी कम हो जाती है, और तुम तो एकदम उल्टी राह पकड़ रहे हो। देखो मुझसे बहस मत करो, जाओ जल्दी से और मुझे कुछ अच्छा सा खाना बनाकर खिलाओ। जा रही हूँ जा रही हूँ, जल्दबाजी में तो खिचड़ी ही बन सकती है, खिचड़ी बनाती हूँ। अरे बन गया लगता है, दो दो मुझे दो, जल्दी जल्दी दो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, जल्दी मुझे खाना चाहिए। ये लो, इस बुड्ढे को तो पता नहीं भूख की कौन सी बीमारी है, परेशान हो जाती हूँ मैं। बस बन गया है, आ जाओ रसोई में ही, यहीं खा लेना। आता हूँ आता हूँ। वाह वाह वाह, अब बड़ी अच्छी स्वादिष्ट है, वाह वाह अच्छा मजा आ गया, वाह बहुत ही अच्छा है। अरे ये तो खत्म हो गया, और दो मुझे। दे रही हूँ दे रही हूँ। अब बस बस अब नहीं खाऊंगा, अब तुम खा लो, तुम्हारी भूख मिट गई ना, फिर ना कहना कि भूखे हो। नहीं नहीं अभी मिट गई है, अभी तुम खा लो। अब मैं जाता हूँ बाजार, और बाजार जाकर मांस और मसाले की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, पहले चले जाओ बेटी के पास, देखो बेटी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो उसी हिसाब से सामान लेते आना। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा ही करूँगा। अरे बिजली घर में है क्या? बिजली? अरे बाबा तुम इस बारिश में? हाँ क्यों मैं अपनी बेटी के पास नहीं आ सकता क्या? अरे क्यों नहीं बाबा, मैंने तो यूं ही कहा, आ जाओ अंदर आओ बैठो, मैं आपके नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। हाँ हाँ भूख लगी है, अब बना दो नाश्ता। हाँ बाबा मुझे पता है आपको भूख बहुत जल्दी लगती है, मैं अभी लेकर आती हूँ।
बाबा ये लो। अरे वाह 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 बिटिया, तू मेरे मन की बात जान जाती है। क्या समोसे बनाए हैं? अरे बाबा अभी तो आपने चखा भी नहीं है। अरे लाजवाब समोसे हैं, मैं तो बिना देखे भी कह सकता हूँ बहुत अच्छे समोसे हैं। मेरी बेटी है, समोसे तो अच्छे बनाएगी ही ना। और फिर वो समोसे खाने लगता है। अरे बाबा बताओ कैसे आना हुआ? अरे बिटिया देखो, हमारा मांस भात खाने का मन कर रहा था, बारिश हो रही थी, तो तेरी अम्मा ने कहा है बेटी और जमाई को न्योता दे दो, इसी गांव के छोर में रहते हैं, आएंगे साथ बैठकर खाएंगे तो अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं चला आया। चलो बेटी आ जाओ। अरे बाबा मैं क्या बताऊँ आपको, कालू जी के पास तो समय ही नहीं रहता है, खेतों का काम, गोदाम का काम, काम ही बहुत ज्यादा है, ऐसे में मैं क्या उम्मीद करूँ, मुश्किल लगता है बाबा। अरे ये क्या बात कह रही हो बिटिया, अम्मा तेरी बड़ी दुखी हो जाएगी, सोचा था सब बैठकर साथ मिलकर खाएंगे पिएंगे, मजा आएगा, देखना भी हो जाएगा एक दूसरे को। नहीं बाबा बहुत काम है इस वक्त, मुझे नहीं लगता है कालू जी जाएंगे, मैं बेकार में आपको नहीं बोलूंगी, अगर आपने ज्यादा कुछ बना लिया और फिर बर्बाद हो गया तो। बाबा मैं जानती हूँ आप लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं आपको परेशान भी नहीं करूँगी। अरे तू ये मत सोच, अगर तू ये सोच कर नहीं आ रही है कि तेरे बाबा के पास पैसे नहीं है तो तू गलत है। देख खाने पीने और रहने के लिए मेरे पास खूब पैसे हैं। तू सोचेगी मेरे पास बड़ी हवेली हो, कई सारी बैलगाड़ियाँ हो, वो सब मेरे पास नहीं है, बाकी दिल बहुत बड़ा है। अरे बाबा मैं तो जानती ही हूँ आपका दिल बहुत बड़ा है, आप लेकिन अभी नहीं जा सकती और वो भी नहीं जाएंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, मैं अब चलता हूँ, तेरी बूढ़ी अम्मा इंतजार कर रही होगी, मुझे रात हो जाएगी तो फिर वो बहुत नाराज होगी। हाँ हाँ बाबा आप चलो। अरे भैया क्या बात है झुमरू काका, आज तुम आए हो दुकान पे? हाँ अरे थोड़े से पकौड़े तल दो, घर वाली को दूंगा, खुश हो जाएगी। हाँ हाँ काका ले जाओ ले जाओ, बारिश का मौसम है, काकी को बहुत पसंद आएगा। अरे आ गए तुम? हाँ आ गया हूँ, ये लो पकौड़े खाओ। अच्छा कब आ रहे हैं बेटी और जमाई? अरे वो नहीं आ पाएंगे, तुम दुखी मत हुआ करो, देखो तुम और मैं है ना, बस बहुत है, हम तुम बनाकर खाएंगे मन मर्जी के। अच्छा तो बेटी ने आने से मना कर दिया। देख झुमरी यही बात तेरी मुझे अच्छी नहीं लगती है, बात बात पर रोना शुरू कर देती हो। अरे रोऊं नहीं तो क्या करूं, इतने दिन हो गए हैं, कितनी बार से कह रही हूं बेटी और जमाई को घर आओ लेकिन आ नहीं रहे हैं, न जाने उन्हें हमारी याद आती भी है कि नहीं, एकदम बेकार हो गया है सब कुछ। अरे उन्हें बहुत ज्यादा उन्हें काम है, देख जवाई अभी काम कर रहा है, अच्छी बात है ना, बुढ़ापा में आराम करेगा, काम से उसे फायदा मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हाँ यही तो बात है, चलो सबको तो काम ने ही बांध रखा है, परिवार के लिए तो किसी के पास कोई जगह नहीं है। चलो खाना खा लो रात का और खाकर सो। अरे क्या बात है बिजली, बड़ी उदास नजर आ रही हो। हाँ कुछ नहीं, बस बाबा आए थे, बाबा न्योता देने के लिए आए थे, कह रहे थे कि कल आ जाओ, मांस भात बनाएंगे, साथ मिलकर खाएंगे। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है, आप आधे दिन खेत में आधे दिन गोदाम में,
व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमारा जाना तो संभव नहीं है। अच्छा, तो तुमने मना कर दिया? अरे एक बार मुझसे पूछ तो लेती। क्यों, मैं तो देख ही रही हूँ, आपके पास तो वक्त ही नहीं है, मना नहीं करती तो क्या करती। अरे पगली, जमाई हूँ मैं, आज तो मैं वक्त निकाल ही लूँगा। मेरी बीबी उदास रहे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। चलो भाई, कल ही चलते हैं। अरे मैंने तो मना कर दिया है बाबा को, अब ये क्या, अचानक से पहुँचेंगे तो बाबा के लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी? अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, अचानक पहुँचेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा? पहले से बता देना ज्यादा ठीक रहता है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं मंगरू को बोल देता हूँ, कल बैलगाड़ी ले आएगा, तुम थोड़े बहुत सामान बांध लो। आज तो पूरे 7 दिन के लिए हम जाएंगे और जमाई बनकर जाऊंगा, देखूं तेरे बाबा मुझे क्या क्या खिलाते हैं। अच्छा, अगर चलोगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगी, अम्मा तो और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। चलो फिर चलते हैं। चलो भैया, कालू भैया, ओ बिजली भाभी, निकलो निकलो। हाँ भाई हाँ, आ रहे हैं। बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है, तुम अपने मायके जा रही हो, बचपन से जवानी गुजार दी, ऐसे जगह में अब अजीब क्या लगेगा। हाँ वो तो है, बाबा देखूं कैसे चौंक जाएंगे, देख लेना। ये लो लेकर जाओ थैला और बाजार से सामान ले आओ। अरे इस बारिश में कहाँ भेज रही हो, जाऊंगा ना जाऊंगा ना, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। अरे बारिश में क्या लोग बाहर नहीं निकलते, क्या अपने घर के लिए सामान नहीं लाते, तुम क्या मिट्टी के बने हो, बारिश में जाओगे तो गल जाओगे। अरे तुम अपनी बेटी, मैंने तो उसे आने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करी, अब वही नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं? देखो ऐसे नहीं चलने वाला है, जाओ सामान लेकर आओ, अच्छे से खाना खतो खाओगे ना, जब से आए हो ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हो। अरे बैलगाड़ी किसकी आई है? जाओ जाकर देखो, मेरे शरीर में ताकत नहीं है। अरे जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे तुम दोनों, अरे देखो झुमरी कौन आया है। अरे तुम दोनों आ गए। हाँ माँ हम आ गए, इनकी छुट्टी थी, हमने सोचा 7 दिन बिताएंगे आपके साथ। अरे बहुत अच्छा किया, बहुत दिनों से मैं याद कर रही थी, तू जल्दी आ गई, बहुत अच्छा किया। जाओ जी जाओ, अब मछली ले आओ अच्छे से। मैं भी चलता हूँ आपके साथ बाबा, जरा गांव घूमना भी हो जाएगा। अरे मैं ले आऊँगा। नहीं बाबा चलो मैं भी। अच्छा चलो। अरे नोरू दे दे बड़ी सी मछली। अरे जमाई बाबू को लेकर आए हो, जमाई बाबू आप ही बताओ कौन मछली लोगे। अरे अरे जमाई को मेरे पहचान नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो मछली दे, ये वाली बढ़िया रोहू दे, दो बड़ी बड़ी। बाबा आपने ऐसा क्यों कहा कि वो अच्छी मछलियाँ नहीं देंगे? अरे ऐसा ही होता है, अब पुरानी बात नहीं रह गई है, अब अगर खुद से देखोगे पहचानोगे तभी अच्छी चीज मिलेगी, किसी पर भरोसा करके अच्छी चीज नहीं मिलेगी, लोग लालची हो गए हैं, सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बाबा, मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा क्या सोच रहे थे? बाबा मैं सोच रहा था मैं पैसे लगाऊंगा, आप मछली का धंधा करो, जो फायदा होगा आप भी रखना मुझे भी देना, आप ईमानदार हो, कम से कम आप किसे लोग मछली खरीदना चाहेंगे,
और अच्छी मछलियाँ सबको मिलेंगी। अरे उसमें बहुत पैसे लगेंगे। अरे बाबा मैं हूँ ना पैसा लगाने के लिए, आप परेशान क्यों होते हो। अच्छा चलो पहले खाना तो खाओ, बाद की बाद में देखेंगे। मैं तो बाबा को कह रहा हूँ मछली का धंधा करने, क्यों बिजली? हाँ हाँ बाबा बहुत अच्छे से करेंगे, और बाबा का नाम है, जल्दी ही बाबा के पास भीड़ लग जाएगी। मैं ऐसा ही करूँगा बाबा, आपको पैसे दे दूँगा। अच्छा अच्छा चलो अब खाना खाओ, बाद की बाद में देखी जाएगी। चलो इस बार तो आए थे ना, अब तो मन भर गया ना तुम्हारा। हाँ जी चलो अच्छा है, ऐसे ही बराबर आते रहें।